बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू डिश लेकर आई हूँ, जो कि है बीफ कोफ्ते। बहुत ही यमी माउथ वाटरिंग रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, नहायत मज़ेदार और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसमें मैंने 1 किलो कीमा इस्तेमाल किया है और कुछ स्पाइसेस हैं और कुछ वेजेस हैं। इसमें मैंने लहसुन लिया है, प्याज लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के, पुदीना लिया है, हरा धनिया इस्तेमाल किया है गार्निश के लिए, और अदरक इस्तेमाल की है 2 चम्मच बारीक कटी हुई, 4 चम्मच खशखाश के हैं और 4 चम्मच चने लिए हैं भुने हुए, पीस लिया है उन्हें, और 2 चम्मच मैंने लिया है ये कोफ्ता मसाला, 1 किलो कीमा लिया है बीफ का। स्पाइसेस में मैंने टर्मेरिक पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और सॉल्ट यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही स्पाइसेस की ज़रूरत है, यही इन्हीं स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून मैंने कीमे में यूज़ किया है और 1 टीस्पून इसके मसाले में यूज़ किया है। अब कीमे में खशखाश पिसी हुई डाली है और ये काले चने भुने हुए जो हम खाते हैं वो पीस लिए हैं, वो डाले हैं इसमें पिसे हुए। इसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज ली है मैंने, वो इस्तेमाल किए इसमें 2 टेबल स्पून भरकर, ये इन्हें पीस लिया है, कूट लिया है और फिर ये डाला है। इसके बाद एक अंडा डाला है इसमें, बाइंडिंग के लिए अंडा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब 1 टीस्पून मैंने हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके यकजान कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे पास अगर चॉपर हो तो चॉपर में ऐसे पीस लेंगे, वरना तो वो कुंडी डंडा वगैरह होता है उसमें पीस लेंगे। और अब मैंने इसमें कोफ्ता मसाला डाला है 1 टेबल स्पून। कीमे को पीसने के बाद इस तरह से कोफ्ते बना लिए हैं मैंने, हाथों से बना लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दी है और इसे थोड़ी देर के लिए पानी डाल के गलने के लिए रख दिया है। एक और कढ़ाई ली है मैंने, उसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसमें कोफ्ते फ्राई कर लूंगी। सारे कोफ्ते ये देखें मैंने फ्राई कर लिए, तमाम कोफ्ते मैंने 1/2 फ्राई कर लिए हैं, यानी कि 1/2 डन किया है। उसके बाद 1/2 तो सालन में डालकर फिर बनाएंगे।
कोफ्तों को दरमियानी आंच पर बनाना है, मीडियम फ्लेम पर तेज़ आंच नहीं करनी वरना तो ये सख्त हो जाएंगे और अच्छी तरह से नहीं गलेंगे। अगर आप लो फ्लेम पर बनाएंगे तो कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। अब कढ़ाई में हमने उसी कढ़ाई में प्याज जो नरम की थी ये आधा गिलास पानी डालकर तो वो प्याज डाल ली है। अब प्याज को कुछ ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला है। अब तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। हाफ स्पाइसेस हमने कोफ्तों में कीमे में डाले थे और हाफ स्पाइसेस हमने सालन में बनाए। ग्रेवी के लिए 1 टेबल स्पून तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखें अब हमारी ग्रेवी भुनने के लिए तैयार है। मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। जब इस तरह से ऑयल अलग हो जाए और मसाले भुन जाएं तो इसमें हाफ डन जो हमने फ्राई किए थे कोफ्ते वो ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और इसमें 1 पाव दही डालनी है फेंट कर। इस तरह से हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं घुमाना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। दही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसका ढक्कन लगा दिया है मैंने। ये देखें अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है और हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दिया है। हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 1 गिलास पानी डालकर शोरबा कर सकते हैं वरना तो इस तरह से ही बेहतर है। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है शोरबे के लिए। पानी डालने के बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाना है। ये देखें हमारे यम्मी से कोफ्ते तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।